फ्रेंड्स, ये एक हम कंपैरिजन एनालिसिस देखेंगे जिसके अंदर हम ये एक पॉपुलर एक्स ब्रांड है जो कि डिटर्जेंट की इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, उसका वर्सेस ये ऐसे एक लिक्विड है, इसका कंपैरिजन देखेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है और ये क्यों बेहतर है इनसे। तो उसके लिए हमने 2 ग्लास ये पानी लिया है, ये ट्रांसपेरेंट रखा गया है, कारण ये कि हम देख सकें इन दोनों में क्या फर्क है। और सबसे पहले मैं इस एक्स ब्रांड के जो पाउडर को इस लिक्विड में मिलाता हूँ, इस पानी में मिलाता हूँ, और इसको हम चलाएंगे अभी। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं ऐसे एक लिक्विड का जो लिक्विड है उस लिक्विड को भी मैं इसके साथ मिलाऊंगा, इसमें पानी में मिलाया है। अब ये दोनों ही लिक्विड हम चलाएंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये मैं इस लिक्विड को मिला रहा हूँ, इसको मैं मिलाता जाऊंगा, अभी अच्छी तरह मिला लिया मैंने, और अब मैं इस लिक्विड को भी मिला रहा हूँ। ये लिक्विड कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुका है मिलाने के बाद, और ये एक्स ब्रांड के लिक्विड में हम देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं चूना है जो कि वेट बढ़ाने के काम आता है, और ये हम लोगों के कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसी से हमारे कपड़े डल होते हैं और फटते हैं और इसमें रोई निकलती है। तो ये हमने एक देख लिया। अब इस लिक्विड के अंदर की खास बात ये है कि ये एलोवेरा के साथ मिक्स लिक्विड है, ऐसे एक लिक्विड, और ये हमारे हाथ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और एलर्जी पे टेस्टेड है, एलर्जी भी नहीं होती इसको यूज करने से। साथ ही साथ एम्बे की गारंटी है कि ये लिक्विड को आप कपड़े धोने के बाद में यदि अपने पौधों में डालेंगे तो ये एज अ एग्रीकल्चरल की तरह भी काम करेगा, आपके पौधों की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, फूल ज़्यादा बेहतर खिलेंगे, और आप उसमें बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस देखेंगे। जो अगला प्रोडक्ट हम एनालाइज करने वाले हैं वो है एक एक्स ब्रांड जो कि बहुत पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है वो, और साथ ही साथ में एक लिस्टर टूथपेस्ट है जो कि एम्बे का ब्रांड है। इसको हम एनालाइज करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और आखिर क्यों इस टूथपेस्ट ब्रांड के को क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता है, हालांकि ये डेंटिस्टों के द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ब्रांड बताया जाता है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम इस टूथपेस्ट को एक थोड़ा सा इस ये पॉलीथीन है जो कि कलर्ड पॉलीथीन है उसके ऊपर में लेते हैं। एक जितना हम यूज़ करते हैं रोज़ उतना ही मैंने निकाला है, और साथ ही साथ में ग्लिस्टर को भी मैं निकाल लेता हूँ, और इन दोनों को निकालने के बाद इनको मैं इस पॉलीथीन के ऊपर में रगड़ता हूँ। इससे हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो दोनों टूथपेस्ट हैं क्या हमारे दांतों के इनेमल जो कि इसी तरह के होते हैं जो कि कलर को डिपेंड करते हैं हमारे, करता है या नहीं करता है, कौन करता है। अब मैं इसको भी कर रहा हूँ, ग्लिस्टर को भी मैंने करीब 20 बार उसको रोटेट किया है, मैं इसको भी 20 बार रोटेट कर रहा हूँ, और अब मैं इन दोनों को पोंछूंगा और हम देखेंगे कि किसने कलर डिफेम किया। ये मेरा वो था जिसको एक्स ब्रांड मैंने इसको किया था, इसमें आप देख सकते हैं आपको एक कलर दिखाई देगा हरे रंग का, जो इस पॉलिथीन का कलर था निकाल दिया, जो हमारे इनेमल की तरह है, और ये इसी तरह से नुकसान पहुंचाता है हमारे इनेमल को। और ये जो हमारा ग्लिस्टर है इसका आप देखिए कुछ भी कलर नहीं निकला है, कारण ये है कि इसके अंदर बहुत फाइन ग्रैन्यूल्स हैं जो कि हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगा ना, और बिना किसी ब्लीच के हमारे दांतों को सफेद करता है, और साथ ही साथ में जो भी आपके तंबाकू या दूसरे चाय या कॉफ़ी के निशान हैं वो भी साफ करता है। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों ब्रांड्स में क्या फ़र्क है। अब मैं इन दोनों ही टूथपेस्ट को अपनी जगह से साफ कर देता हूँ, हटा देता हूं। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दिया। कैमरा पास लेकर आइए, सिप लेकर आइए, पास में लेकर आइए इसको। ये देखिए,
ये टूथपेस्ट का निशान यहाँ आप साफ देख सकते हैं, सफेद रंग का हो गया है क्योंकि इसने कलर छोड़ दिया है। और इधर पे इसका कलर नहीं छूटा है क्योंकि ये बारीक पार्टिकल्स हैं, और इसीलिए हमेशा ये एस ग्लिस्टर को रिकमेंड किया जाता है जो कि आगे चल के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है आपके दांतों पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कट।